यशोमती मैया के नंदलाला। हे नारायण, आज मेरी प्रजा और मेरा लज्जा दोनों ही गहरे संकट से घिर गए। आपको मेरी सहायता करनी होगी। प्रभु, पिता होने का कर्तव्य मुझे एक दिशा में धकेल रो है, तो राजा होने का उत्तरदायित्व मुझे दूसरी दिशा में खींच रो। इस भीषण संकट में मैं क्या करूं? मैं इस संकट में अपनी प्रजा का साथ भी ना छोड़ सकता हूं और ना ही अपने लल्ला को उस नरभक्षी सिंह की मान में भेज सकता हूं। आप ही को इस समस्या का समाधान निकाल लो। जय सालिग्राम मुझे मेरे मैया बाबा ने दिया था और उन्होंने कही थी कि जब भी कोई संकट आएगा ना प्रभु, तो इसके रूप में आप मेरा हाथ पकड़ लोगे और मुझे बताओगे कि क्या करना है, कैसे करना है। आज मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है प्रभु। मुझे मार्ग दिखाइए। बाबा और राजा होने की दुविधा में मैं बटा जा रहा हूं। मेरे इस धर्म की नौका जो झंझावात में फंस गई है, उसे पार लगाइए नारायण, रक्षा कीजिए नारायण। सालिग्राम, यही तो रखा था मैंने, कहाँ गिर गया, कहाँ चला गया? मैंने तो यही रखा था। कान्हा, तू यहां क्या कर रहा है? सालिग्राम देखो, तूने छे तेरे मुंह में क्या है? कान्हा, कहीं तूने सालिग्राम मुंह में तो ना ले लियो? हे नारायण, क्षमा करना अभूत बालक। क्या करो कान्हा, तूने क्या बाहर निकाल सालिग्राम? लल्ला जी, अनुचित है। यदि वो तेरे कंठ में चला जाएगा तो तेरी सांस। लल्ला ला बाहर निकाल, अच्छो बालक है ना तू, हाँ ला। अरे तेरी मैया को पता चलेगा ना तो वो कहेगी कि ना तो प्रजा का ध्यान रख सकते हो ना ही अपने लल्ला का। लोभ के फंदे में चारों ओर से जकड़ गए थे हम। भविष्य के स्वप्न देखते देखते अपने जीवन का सबसे बड़ा भूल किया है हमने। यशोदा और नंद भैया ने आप सबको समझाने का कितना प्रयास किया था, और यहाँ तक कि छोटे कान्हा ने भी हमें कितना समझाया, लेकिन हमने उस दुष्ट व्यापारी को अपना सारा वचन दे दियो। मुझे तो सबसे पहले अपने घर में बिठा कर ही समझाया था उन दोनों ने। कही थी कि कोई किसी भी वस्तु का दुगना मूल्य क्यों देगो, पर मैंने उनकी एक भी ना सुनी। आप ही बताओ रोहिणी जी, अब किस मुंह से क्षमा मांगूंगी मैं जशोदा जी से? क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता ना। महत्वपूर्ण बात तो जे है
कि तुम सबको अपनी भूल का आभास होगा और उसका पछतावा भी। पर अब तो बहुत देर हो गई है जसोदा जी, अब क्या होगो? जिस सुनहरे भविष्य के लिए हमने उस कपटी व्यापारी के सामने अपने नारायण के नाम का वचन दिया था, उसने वही भविष्य लेके राजा कंस के पाँव के नीचे रख दियो है। संतुष्ट सुखी जीवन जी रहे थे हम, बछड़ों को उनके भाग का दूध मिलता था, हमारे बच्चे जितना चाहे दूध दही माखन खाते थे, अब उनके मुंह का निवाला छीन कर उस दुष्ट कंस को देना पड़ेगा। चिच्ची ना, नारायण की कृपा से तेरी जसोदा जिज्जी के पास गईयों की कमी ना है। मैं अपने घर का सारा गौधन पूरे गांव के साथ बांटूंगी, किसी भी बालक के मुंह से निवाला ना छिने को। नारायण की कृपा से गोकुल का एक भी प्राणी वंचित ना रहेगा। हाँ नहीं तो नहीं। खाना बाबा का कहना मान ले। काना, तुझे नारायण की सौगंध है, वो सालिग्राम मुझे दे दे। छे क्या करो लल्ला, तूने ऐसे भी कोई कर तो है क्या लल्ला? मैं पहले से ही तुझे लेकर कितना चिंतित हूं। अच्छा पता है तुझे, क्षमा करना प्रभु, क्या कर रहे हो लल्ला? नारायण की मूर्ति कहां गई? मैंने ना कान्हा के मुंह में फिर से ब्रह्मांड देखो है। मैंने तो जे भी देखो कि श्री नारायण गोकुल में हर स्थान पे है, जहां देखो वही नारायण। जिनके मुख में त्रिभुवन, जो सारी सृष्टि का संचालन करते, मैं उन्हीं की चिंता कर रहा था। बाहर भी आप हैं और भीतर भी, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। इस सांसारिक माया में आकर मैं भूल गया था जिनके पास सारी समस्याओं का समाधान है, जो किसी भी संकट को क्षण भर में समाप्त कर सकते, वो तो मेरे सामने ही। समस्या कैसी भी क्यों ना हो, चिंता समाधान नहीं बाधा होती है, इसलिए चिंता मत कीजिए बाबा। मैं तो सदैव ही कहता हूं, मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी चिंता से दूर ही रहना चाहिए। यदि व्यक्ति अपना सारा ध्यान अपने कर्मों को पूरा करने पर लगाए, तो वो बड़े से बड़े संकट का सामना भी सहज ही कर सकता है। और वैसे भी मेरी पूजा वही करते हैं
जिन्हें मेरे अस्तित्व पर विश्वास है, इसीलिए उन्हें भी ये विश्वास अवश्य रखना चाहिए कि मैं अपने भक्तों का साथ अवश्य देता हूँ, सदैव हर परिस्थिति में। प्रभु का स्वर तो यहीं से आ रहा था, पर नंद भवन कहां चला गया और श्री कृष्ण कहां है? तू यहां क्या कर रहा है? भूख लगी आई है क्या? तभी मैया की स्मृति आई होगी ना, चल भीतर। बात हो गई सबसे, चलने को तैयार है ना वो लोग? कोई अपना घर अपनी गृहस्थी छोड़ के जाने को कैसे तैयार हो सकता है? पर मैंने कही थी ना आपसे कि सब मान जाएंगी, उन्हें हम सब पे बहुत भरोसा है जी। मनाना तनिक कठिन अवश्य था, पर मैंने समझाया सबको, चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है, नारायण हम सबका ध्यान रखेंगे। क्यों का ना रखेंगे ना? आप जो चाहोगी वही होगा मैया। मेरा अर्थ है कि नारायण सब ठीक करेंगे। मैं आता हूँ। चल तू बैठ जा, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ, आ जा। प्रभु का स्वर तो मुझे यहीं से आया था, तो फिर मैं प्रभु के दर्शन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? श्री कृष्ण, 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 श्री कृष्ण। यहाँ तो कंकड़ पत्थर भी प्रभु का नाम पुकार रहे हैं, मानो उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हूँ। कौन सा स्थान है ये? वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन। श्री कृष्ण, प्रभु आपका आह्वान सुनते ही सारा सुदबुद खो बैठा और दौड़ता हुआ चला आया, और जब पांव ठहरे तो मैंने देखा कि मैं यहाँ हूँ, इस रिक्त स्थान में। यहाँ का कण कण आपको पुकार रहा है प्रभु। ये स्थान मेरा अगला पड़ा होगा विश्वधर्मा, और आपको मेरे परिवार और भक्तों के निवास का प्रबंध करना होगा।
मुझे तो लगता है पूरी तैयारी से आई है। समझ गया प्रभु, आप चाहते हैं कि ये स्थान, यहाँ का हर घर, पत्थर, दीवार, खंभ सब गोकुल के समान ही हो। क्या हुआ, भोजन अच्छा ना बनवाए क्या? सच्ची में इतना बुरा बन गया है? उत्तर दिया तो था देव विश्वकर्मा को, पर मैया ने ले लिया अपने ऊपर, अब कैसे संभालू? लगतो है गोकुल छोड़ने की व्याकुलता में कछु गड़बड़ कर दी है मैंने। मैं कछु और बना के लाती हूँ। हाँ लल्ला। मैया, भोजन अच्छा बनो है, बहुत अच्छा बनो है। सच्ची? तो फिर खा क्यों ना रोए? तुम क्या खिला रही नारी? अच्छा जी, तो ले फिर ले। कल भोर होते ही इस घर को सदा के लिए छोड़ के जाना है हमें, इसे सब पतो है, पर फिर भी ना कोई चिंता है ना कोई व्याकुलता। यदि हम सब भी इसी के जैसे बन पाते तो इतना दुख काहे को होता। प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जगपाला। आप निश्चिंत रहिए प्रभु, आपके भक्तों को वृंदावन में कोई कष्ट नहीं होगा। तनिक भी स्थान ना बचो है, पर इसे कैसे छोड़ दूं? जब अपने मायके से लेके आई थी मैं, इसमें पहली बार काना को माखन खिलाया था, सुधा संभाल के। सहायता की कोई आवश्यकता ना है, मैं सब समेट लूंगी। बसी बसाई हुई हस्ती समेटना इतना सरल ना है, जीवन है जे, कोई खेल ना है कि समाप्त हो गया तो। चलो आप। अनप। मैया, मैया। जे क्या करो तूने? मैया। रो मत ही लल्ला। मैया टोकरी भारी हो गई है। भैया मैं उठाई ना पायो, सारे खिलौने गिर गए। तो सारे खिलौने टोकरी में डाले ही क्यों? सब ले जाना आवश्यक थोड़े ना है। यही तो समझ ना आ रहा मैया, और क्या छोड़ू और क्या लेकर चलूं? ये देख मैया, ये वाला हाथी बाबा कितने प्यार से मथुरा से लेकर आए थे मेरे लिए। ये देखो मैया, मेरे जन्मदिन का उपहार आप उन्होंने कितने प्रेम से दिया था मुझे। चिंता मत कर काना, जो छूट रो है ना छूट जाने दे, पुराना जाएगो अभी तो नया आएगो ना लल्ला। मैं और तेरे बाबा तेरे लिए ढेर सारे खिलौने ले आएंगे। अभी तू बस वो ही खिलौने रख जिसकी तुझे वृंदावन में आवश्यकता पड़े। फिर मुझे कछु चाहिए ना मैया, और बस मेरी मुरली और तुरी पर्याप्त है। मैया आप मेरी टोकरी ले लो, आपका सामान बहुत अधिक है ना। जो अपने लल्ला को समझा रही थी उसका सार स्वयं ही ना समझो मैंने। वाह काना, तुम और तुम्हारी लीलाएं सच्ची में अनोखी, बिना कुछ कहे ही मैया को समझा दियो। बस सकट मंगवा तू।
बाबा मेरी तैयारी हो गई, मैं चलूं आपके साथ। आजा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.